हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग चैनल देखते हो मेरा, और बहुत सारे बच्चे हैं सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि उर्दू पढ़ना चाहिए। मुझे भी बच्चों टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए, कि मेरे जो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वो उर्दू से भागते हैं, मेरी पूरी कोशिश यही रखती है कि मैं उनको अच्छे से उर्दू समझा सकूं, ताकि ये अपनी जो हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू ज़बान है, हम आपके बीच से बिल्कुल जाने ना पाएँ। आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी आप पढ़ने के लिए बताएँ, ठीक है बच्चों? तो जैसे ही बच्चों, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, नाम क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद। हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था सर सैयद अहमद खां का जो सबक था, वो बहस और तकरार का खुलासा है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है सबक आपका मौलवी नज़ीर अहमद। सबक का नाम क्या है? मौलवी नज़ीर अहमद। और ये इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। हम इनके जो मेन पॉइंट हैं आपको को उस पर हम अंडरलाइन करते चले जाएँगे, ताकि जब आप उसको नोट करते चले जाएँ, फटाफट करते चले जाएँगे, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले देखते जाइए आप इनका नाम क्या है। मौलवी नज़ीर अहमद है ना। पूरा नाम पूछा जाए अगर आपसे, इनका पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि मौलवी नज़ीर अहमद। और फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि इनकी जो पैदाइश है वो 1836 है, ठीक, और वफ़ात है इनकी 1912 है, ये इनकी वफ़ात है। आप अगर कभी भी हालात ज़िंदगी शुरू करते हैं ना, तो आप अगर पैदाइश को और पैदाइश को और वफात को अगर आप हेडिंग देते हैं, तो आप इससे बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। पहले शुरू शुरू ही आप शुरुआत करिएगा एक तरफ की हालात ज़िंदगी, मौलवी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी आप ये शुरुआत करिए, और दूसरा आप शुरुआत करिए, फिर उसी के नीचे आप डाल दीजिए कि 1836 इनकी पैदाइश और वफात 1912, ठीक है बच्चों? तो ज़्यादा टाइम लेते हुए हम आपको शुरू करते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद क्या है। यहाँ जाइए, मौलवी नज़ीर अहमद है ना, नज़ीर अहमद, इनको नज़ीर अहमद कहते हैं। बिजनौर के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, मतलब गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे। इल्म का शौक़ उन्हें बचपन में दिल्ली ले आया, यानी उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो पढ़ाई के सिलसिले में अपनी कहाँ पे आ गए, दिल्ली आ गए। यहाँ पे उन्होंने अरबी फ़ारसी की आला तालीम हासिल की 1857 के बाद। 1857 ये वो डेट है बच्चों, जब पूरी क्रांति इतिहास में, अपनी तारीख में पूरी क्रांति यहाँ पर ला दी गई। पूरा गदर है, 1857 का गदर अपने इतिहास में बहुत ज़्यादा अहम रखता है, क्योंकि यहाँ से पूरी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? तो 1857 वही लड़ाई, उसी लड़ाई के बाद नज़ीर अहमद की तकदीर का सितारा और भी चमका, यानी जब लड़ाई होती है तो उनके बाद उनका सितारा और भी चमक जाता है। अंग्रेज़ी हुकूमत में उन्हें हुस्न खिदमत के सिले में स्कूलों का डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, क्योंकि ये 1947 की पहले की बात है, यानी आज़ादी की पहले की बात है। तो ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि ये आज़ादी के पहले की बात है। उसके बाद जब आज़ादी, अंग्रेज़ों की जब हुकूमत चल रही थी, यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें हुस्न खिदमत के सिलसिले में स्कूलों का डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिया, यानी स्कूलों का उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। जब नज़ीर अहमद के बच्चे बड़े हुए, तो उनकी तालीम के लिए उन्हें बाज़ अंग्रेज़ी नावलों के ख़यालात और प्लाट को अपने रंग में ढाल कर कुछ किस्से लिखे। उनमें सबसे पहली किताब, यानी इनकी सबसे पहली जो किताब मानी जाती है, वो मिरातुल उरूस है, जो लिखी गई थी 1869 में। इन किताबों में से उर्दू का नाविल का बाकायदा आगाज़ हुआ। नज़ीर अहमद ने दुनियावी तरक्की की मंजिलें जल्द से जल्द तय की, यानी वो बहुत जल्दी तरक्की करते हुए चले गए, ठीक है। 1877 में जब वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनको निज़ाम हैदराबाद, यानी निज़ाम का मतलब उस वक्त बादशाह जो थी, वो वहाँ का जो बादशाह था उसको निज़ाम कहते थे। निज़ाम हैदराबाद ने उन्हें बड़ी तनख्वाह पर अपने यहाँ मुकर्रर कर लिया, यानी हैदराबाद का जो बादशाह था, वो 1877 में जब वो डिप्टी कलेक्टर हो गए, उसके बाद वो वहाँ हैदराबाद में उनको बुला करके बड़ी तनख्वाह पर उनको अपने यहाँ मुकर्रर कर लिया। ज़िंदगी के आखिरी दिन में उन्होंने दिल्ली में बड़े आराम से गुजारे। नज़ीर अहमद को दिल्ली और ज़बान पर
दिल्ली और ज़बान पर गैर मामूली कुदरत थी। जब वो दिल्ली में आ ही गए थे, यहाँ ऊपर हमने बता ही दिया था आपको, तो उनको दिल्ली और मामूली ज़बान पर बहुत कुदरत हासिल थी उनके नावलों में। अब यहाँ पर आप देखिए, हम फिर अंडरलाइन करते हैं, उनके नावलों में उर्दू का वो रंग रूप नज़र आता है जो आगे चलकर वाक्य निगारी की बुनियाद बना। मतलब उनके जो वो नावल हैं उनका वो रंग उसमें नज़र आता है जो आगे चलकर वाक्य निगारी। वाक्य क्या होता है? जब कहीं की कोई घटना, कोई इवेंट वहाँ पे होता है तो वो क्या कहलाता है? वो वाक्य निगारी कहलाती है, है ना। तो वाक्य निगारी की फिर आपकी एक आगे चल के जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप बहुत सारी नोएस पढ़ेंगे आप। जैसे आपका हो जाएगा ड्रामा निगारी, हो जाएगा तनकीद निगारी, हो जाएगा। अभी आप छोटे हैं दूसरे नहीं जान पाते, बड़े हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो ये क्या है? वाक्य निगारी की बुनियाद इन्होंने बनाया, यानी वो अपने किरदारों के मिजाज और मरतबे के एतबार से ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नज़ीर अहमद हैं, फ़ोटो दिख रहा है, और ये आपका लास्ट पेज है। इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई वाकया बयान करते हैं, कोई वाकया यानी कोई किस्सा, कोई किस्सा यानी जो उनकी ज़िंदगी में कोई इवेंट है ना, कोई वाकया गुज़रा होगा उसकी बातें बता रहे हैं। जब कोई वो वाकया बयान करते हैं तो आमतौर पर उनकी जो ज़बान है गैर पेचीदा और रवां होती है, यानी खूब बढ़िया चलती जाती है उनकी ज़बान, खूब अच्छा वो लिख के चले जाते, रवां आगे तेज़ी के साथ बढ़ते हुए चली जाती है, और जुमले छोटे हैं और बात जल्द जल्द आगे बढ़ती हैं। दिख रहा ना आपको, उनके जुमले जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बात बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चली जाती है। नज़ीर अहमद के नावलों ने मुसलमान में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों में, आम तौर पर बदलती हुई ज़िंदगी के मसाले पर सोचने का रुझान पैदा किया। यही देखो बच्चों मेन पॉइंट है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, हर कोई तो होता है लेकिन हर कोई अपने कौम के लिए नहीं सोचता है। लेकिन नज़ीर अहमद वो शख्स थे जिन्होंने अपने मुसलमानों में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तानियों में आम तौर पर बदलती हुई ज़िंदगी के मसाइल पर सोचने का रुझान, कि कैसे इनकी ज़िंदगी बदल रही है, कैसे इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, अपना एक रुझान का मतलब उस तरफ अपना रुख इन्होंने कर दिया था। ठीक है, फिर आगे देखिए, जो इक्तिबास हमारे सामने, यानी कि जो इक्तिबास, अब तो ये तो थे नज़ीर अहमद, लेकिन नज़ीर अहमद की हमें हालात ही ज़िंदगी बतानी है। ठीक है, तो जो इक्तिबास हमारे सामने है वो नज़ीर अहमद के सबसे मशहूर नावल, अभी हम बताएँगे इक्तिबास यानी कि जो सबक, तो ये उनके नावल है तौबतुन नसूह। और देखिए बच्चों, तौबतुन नसूह का भी 1800 दिया गया है, 1874 से लिया गया है। नसूह, तौबतुन नसूह उनके नावल के किरदार हैं। किरदार का मतलब जो कैरेक्टर, जैसे आप मूवी देखते हो तो हीरो का एक कोई नाम दे दिया जाता है, लेकिन हीरो का वो नाम तो होता नहीं है, है ना, रियल नाम उसका कुछ और होता है, लेकिन जब वो मूवी बनाता है तो उसमें उसको कोई और नाम दे दिया जाता है, तो वही उसका कैरेक्टर होता है। तो देखिए, नसूह एक आदमी है, खुशहाल इज्जतदार लेकिन दुनिया परस्त शख्स है, यानी नसूह के ऊपर उनके नावल का नाम ही है तौबतुन नसूह। नावल का नाम क्या है? तौबतुन नसूह। और नसूह एक खुशहाल इज्जतदार लेकिन दुनिया परस्त शख्स था, खुशहाल था, इज्जतदार था, लेकिन वो क्या था? दुनिया परस्त शख्स था। नसूह एक एक करके अपनी बीवी, तमाम औलादों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करता था। ठीक है बच्चों, तो नसूह तो नसूह कैसा इंसान था? नसूह एक ऐसा था जो अपनी बीवी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, जो अपनी बीवी और तमाम औलादों को राह रास्त पर लाने की कोशिश, राह रास्त यानी अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, और अपने बड़े बेटे कलीम, यही स्टोरी है बच्चों जो आगे आपको पढ़ाई जाएगी, अपने बड़े बेटे कलीम और बेटी, देखिए नाम है इसका नईमा, नईमा की इस्लाह से सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित होती है। इस तरीके से इस सबक में जो सबक के किरदारों का नाम है, यूँ कहें कैरेक्टर का नाम है, एक का नाम है कलीम और एक का नाम है बड़ी बेटी नईमा, ये सबक उन्हीं के ऊपर पूरा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया नज़ीर अहमद, अगला सबक है आपका जिनका नाम है मौलवी नज़ीर अहमद, और मौलवी नज़ीर अहमद की ये बहुत जल्दी हमने शॉर्टकट में ही आपको हालाते ज़िंदगी बता दी, और हालाते ज़िंदगी आप कॉपी पे नोट करिए, कमेंट में अपना नाम बच्चों ज़रूर लिखो, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए और अपने से आगे भी बच्चों को पढ़ाते रहिए।